नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में रूस क्यों है बाहर, रूस इस बार टोक्यो ओलंपिक में क्यों नहीं हिस्सा ले रहा है। हम लोग इस पे बात करेंगे। इससे पहले सभी ओलंपिक में रूस हिस्सा लिया था, इस ओलंपिक में क्यों नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइबर को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि ओलंपिक का खुमार इस समय सभी के ऊपर चढ़ा हुआ है, आप भारत के कई खिलाड़ियों को किसी प्रतियोगिता में अंदर बाहर होते हुए देख रहे होंगे। मीराबाई चानू ने रजत पदक भी जीत लिया है, उनके स्वर्ण पदक आने की उम्मीदें दिख रही हैं। तो क्या रूस पदक तालिका में किस स्थान पे है या कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि रूस इस बार पदक तालिका में किसी स्थान पर नहीं है। वह टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेल रहा है, उसको निलंबित कर दिया गया है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक से रूस को निलंबित कर दिया गया है। तो दुनिया में रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, यह एक यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो 2016 में ब्राज़ील में हुए, ब्राज़ील के शहर रियो में हुए ओलंपिक में रूस के खिलाड़ियों ने 56 पदक जीते थे। भारत के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीता था, एक ब्रांज और एक सिल्वर, और रूस के खिलाड़ियों ने 56 पदक जीते थे और पदक तालिका में वह देश चौथे स्थान पर था। तो इस बार क्यों नहीं है ओलंपिक में। तो हालांकि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में रूस अपने नाम, ध्वज या गान का उपयोग नहीं कर सकता, मतलब रूस 2021 में ओलंपिक में नहीं है, लेकिन उसके खिलाड़ी हैं क्योंकि वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। रूस बाहर हुआ है, न कि उसके खिलाड़ी, और वे खिलाड़ी रूस की तरफ से नहीं खेलेंगे। वो खिलाड़ी रशियन ओलंपिक कमेटी ROC की तरफ से खेलेंगे। तो वे खिलाड़ी अपने देश का राष्ट्रगान, अपने देश का झंडा और देश का नाम नहीं लिख सकते। आने वाले समय में जब पदकों का काउंट किया जाएगा तो रूस में रूस की तरफ यह नहीं जोड़ा जाएगा जो ROC जीतेगा। तो इसके बजाय रूस के खिलाड़ी मतलब अपने देश का नाम, ध्वज और गान न जोड़ करके विभिन्न स्पर्धाओं में उतरेंगे और उसके साथ अपने देश के नाम के स्थान पर ROC लिखेंगे। ROC का पूरा नाम है रशियन ओलंपिक कमेटी, रूसी ओलंपिक समिति। मतलब रूस के खिलाड़ी हिस्सा तो लेंगे, लेकिन वह उनके साथ में रूस नहीं लिखा जाएगा। जैसे मीराबाई चानू ने पदक जीता तो उनके साथ में इंडिया लिखा था और भारतीय राष्ट्रगान बजा था, लेकिन जब इनके पदक जीतेंगे तो वहाँ पर न रशियन राष्ट्रगान बजेगा, न इनके साथ में देश का झंडा होगा, न देश का नाम लिखा जाएगा और न आगे रूस के खाते में जोड़ा जाएगा कि अगर ओलंपिक में पदकों की काउंटिंग हुई तो उसमें यह ROC के खाते में जाएगा, ना कि रूस के। तो इसे रूस पर देश के द्वारा समर्थित डोपिंग कार्यक्रम चलाने को आरोप लगने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट CAS द्वारा स्वीकृत किया गया था। 2020 में CAS ने कई डोपिंग उल्लंघनों के कारण रूस को 2 साल के लिए सभी प्रमुख खेल आयोजनों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। रूसी एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन उन्हें इस तटस्थ झंडे के नीचे खेलना होगा। तो रूस डोपिंग कार्यक्रम चला रहा था, मतलब रूस के अधिकारी डोपिंग कार्यक्रम में समर्थित थे, जिससे रूस के और सारे खिलाड़ी और ज़्यादा पदक जीते और ज़्यादा गोल्ड जीते। लेकिन जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है CAS ने इसका जांच किया और 2020 में उनके डाटा में गड़बड़ी पाई, उनके जो लेखा जोखा था उसमें गड़बड़ी पाया। तो इसके लिए 2 साल तक रूस को सभी बड़े खेलों में, बड़ी खेल आयोजनों में 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसके खिलाड़ी रशियन ओलंपिक कमेटी के तहत मतलब तटस्थ झंडे के साथ में उतर सकते हैं। रूस के झंडे के साथ नहीं उतरेंगे, लेकिन तटस्थ झंडे के साथ उतरेंगे। और बात करते हैं बीजिंग में होने वाले खेलों में भी ROC कहा जाएगा। जैसे कि अभी 2020 का समर ओलंपिक चल रहा है, गर्मियों में होने वाला ओलंपिक चल रहा है, लेकिन 2022 में चलेगा शीतकालीन ओलंपिक जो हर 4 साल बाद होता है और यह 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच में होता है। तो इसमें भी रूस के खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे, मतलब रूस नहीं खेल पाएगा बल्कि जो खिलाड़ी खेल पाएंगे। तो जो फैसला लिया गया है 2 साल के लिए निलंबित किया गया है, रूस को पहले 4 साल के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन उसके बाद उसका निलंबन घटा करके 2 साल कर दिया गया है। तो इस फैसले के कारण 2021 में टोक्यो में हो रहे ओलंपिक, जो अभी ओलंपिक हो रहा है इसमें, और बीजिंग में 2022 में आयोजित होने वाले शीतकालीन खेलों में रूस को ROC कहा जाएगा। मतलब रूस के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, लेकिन रूस देश के रूप में हिस्सा नहीं लेगा। और इसके ध्वज के लिए देश 5 ओलंपिक रिंगों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद, नीली और लाल धारियों में ओलंपिक लौ के रंग से युक्त ROC प्रतीक का उपयोग करना होगा। मतलब राष्ट्रीय झंडा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक ओलंपिक कमेटी, रशियन ओलंपिक कमेटी, मतलब थोड़ा सा रशियन और बाकी ओलंपिक हिस्सा इस्तेमाल कर पाएंगे।
और बता दें आपको कि इसके साथ में राष्ट्रगान भी नहीं बजेगा, जो कि एक सम्मान की बात है। मतलब अगर किसी के साथ में राष्ट्रगान बनता है बजता है, जीतता कोई जीतता है तो राष्ट्रगान बजता है, तो ये सम्मान की बात है। अगर वो नहीं मतलब जीतता है उसके बाद अगर राष्ट्रगान नहीं बजता तभी अपमान की बात है। तो इसके साथ ही जब भी कोई रूसी एथलीट स्वर्ण पदक अपने नाम करता है तो रूस का राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता है। इसके स्थान पर संगीतकार प्योत्र तिचकोस्की का संगीत विशेष रूप से पियानो कंसर्ट एक पदक समारोह में बजाया जाता है। मतलब राष्ट्रगान न बजाया जा करके एक गाना बजाया जाता है जो प्योत्र तिचकोस्की का एक संगीत है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना होगा कि चीन की जो महिला भारतोलक थी जिन्होंने मीराबाई चानू को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था, वो भी डोपिंग की जांच में मतलब उनके ऊपर हो रही है। अगर वो पॉजिटिव पाई जाएंगी तो और भी जांच चीन के साथ होगा। तो इसी तरह पिछले कार्यक्रमों पिछले खेल आयोजनों में रूस के अधिकारी डोपिंग का कार्यक्रम का समर्थन करते थे जिसके कारण उसको निलंबित किया गया। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।